हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं मैथ्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा एक प्रोग्राम के माध्यम से, तो मुझे लगा कि आप सभी को एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में ही जानेंगे। इसके अलावा इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम उसके बारे में, यानी कि जो मैथ्स का प्रॉब्लम है उसे हम देखेंगे। और एक बात कि हमारे एक दोस्त ने एक वीडियो पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ। इस क्वेश्चंस का जवाब मैं संडे को दूंगा। संडे को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, इस प्रकार के हैं कि अभी कुछ लोगों को समझ में आएगा नहीं, और वो अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस पर अगर कोई प्रोग्राम भी बनाते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए हम उस चीज़ को संडे को देखते हैं, एक अलग वीडियो के साथ आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से डायरेक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पर अब इंट मैन, यहाँ पर मैथ डॉट एच लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर इंटीजर एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज कुछ प्रिंट करा देते हैं। इन वेरिएबल में हम यूज़र के द्वारा ही, यानी कि रन कराने के बाद यूज़र के द्वारा ही ऊपर इनपुट करेंगे। यहाँ पर एक प्रिंट ऑफ लगा देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्कैन ऑफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। यहाँ पर हम दो इनपुट्स ले लिए, यानी कि दो नंबर्स इनपुट ले लिए ए एंड बी की जगह पर, यूज़र जो खुद ही इनपुट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन रखे हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो तो प्रोग्राम हमारा इसमें आएगा, यानी कि इस ब्रैकेट में स्टार्ट होगा। प्रिंट एफ हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर हमारा ये बंद। यानी कि अगर हमारा ये कंडीशन सही हुआ, ए का वैल्यू बी से बड़ा रहा, तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये प्रिंट करेगा और उसके बाद रिटर्न जीरो, हमारा प्रोग्राम बंद। अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम, यानी कि ये चीज़ हमारा सही नहीं रहा, बी इज़ ग्रेटर देन ए रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पर इल्स का यूज़ करेंगे। इल्स में आपको कोई भी कंडीशन देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इफ़ में ही आपका कंडीशन हो जाता है। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए इसमें सही का होता है, इफ़ में अगर इस कंडीशन सही का होता है तो इल्स में गलत का होगा। अगर सही नहीं होगा कोई प्रोग्राम तो क्या होगा, गलत होगा। तो ठीक वैसे ही कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ पर सही का होगा और यहाँ पर गलत का, तो गलत में आपको कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा इफ़ में ही। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट बंद, और उसके बाद रिटर्न जीरो, और ये प्रोग्राम बंद। हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ इफ स्टेटमेंट के साथ। ऐसे इसमें क्या करते हैं कि दो नंबर हम लेते हैं, इसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन का प्रोग्राम भी बन गया। तो इसमें हम दो नंबर यूज़र के माध्यम से लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें अगर ए का वैल्यू बड़ा है बी से, तो हमारा ये चीज़ प्रिंट करे, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करे इस ब्रैकेट में का। अगर नहीं, अगर बी का वैल्यू बड़ा है ए से, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट करे, यानी कि इल्स के ब्रैकेट का, और उसके बाद प्रिंट करने के बाद ये हमारा रिटर्न जीरो के साथ प्रोग्राम बंद हो जाए। ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। इसी तरह यहाँ पर कोई भी कंडीशन आप रखिएगा, उस कंडीशन के हिसाब से ये चेक करेगा, उसके बाद इसमें आएगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं रहा तो ये इल्स में चलाएगा। अब इसी चीज़ को हम चलिए डेस्कटॉप पीसी को रन करा कर देख लेते हैं कि आखिर कैसे रन करता है।
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...